मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पाठ 9 समास पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको समास के भेद बता रही हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी पांचवा भेद, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं, और जब हम समास बनाते हैं तो उसमें दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह लगाया जाता है। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह हट जाता है और योजक चिन्ह के स्थान पर आ जाता है और। जैसे लव कुश, अब यहाँ पर लव और कुश इन दोनों शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन हम जब समास विग्रह कर रहे हैं तो इस योजक चिन्ह के स्थान पर आ जा रहा है और समास विग्रह हो जा रहा है लव और कुश। माता पिता, माता और पिता के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, और जब समास विग्रह कर रहे हैं तो ये योजक चिन्ह हटकर वहां पर आ जाएगा और समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता। अच्छा बुरा, यहां पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है अच्छा और बुरा के बीच में, और जब हम इसको समास विग्रह कर रहे हैं तो हो जा रहा है अच्छा और बुरा, योजक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा और। पाप पुण्य, पाप और पुण्य के बीच में एक योजक चिन्ह है, और जब समास विग्रह किया गया तो हो गया पाप और पुण्य, योजक चिन्ह के स्थान पर आ गया और। यानी कि योजक चिन्ह आपको ये बताता है कि वो द्वंद्व समास है, और जब समास विग्रह करेंगे तो योजक के स्थान पर और आना चाहिए। इसका छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि वो दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, कोई उनका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा लंबा है उधर जिसका। अब ये इसका इस्तेमाल हम करते हैं गणेश जी के लिए, हम किसी मोटे व्यक्ति के लिए लंबोदर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए प्रचलित है, तो ये यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही वीणा पाणि, इसका समास विग्रह है वीणा है हाथ में जिसके, और वीणा कोई भी व्यक्ति वीणा हाथ में ले लेगा उसको वीणा पाणि नहीं कहेंगे, बल्कि वीणा पाणि हम सिर्फ सरस्वती जी को कहते हैं, इसलिए वीणा पाणि शब्द बहुव्रीहि समास है। और वीणा पाणि शब्द किसी तीसरे, इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, वो सरस्वती माँ के लिए निकल रहा है। ऐसे ही दशमुख, दस है मुख जिसके, अब दस है मुख जिसके, दस दशमुख हम रावण के लिए प्रयोग में लाते हैं, यानी कि इसका जो तीसरा अर्थ है वो है रावण, तो यहाँ पर दशमुख शब्द भी बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास पहला पद और दूसरा पद, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं है, उसमें वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। थैंक यू।